गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1, नंबर फ्रॉम 0 to 10। तो 0 to 10 तक के हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। तो 0, ZERO 0, 1, ONE 1, 1 means 1, TWO 2 means 2, THREE 3 means 3, FOUR 4 means 4, FIVE 5 means 5, SIX 6 means 6, SEVEN 7 means 7, EIGHT 8 means 8, NINE 9 means 9, TEN 10। मतलब हमें 0 to 10 तक के काउंटिंग करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट पेज, फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज देखेंगे। तो नंबर फ्रॉम 0 to 10 तक, तो हमें सबसे पहले पेज देखेंगे। तो हमें दिया गया है, लुक एट द अबव पिक्चर एंड काउंट एंड टिक राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो पिक्चर देखना है हमें फर्स्ट पेज का, और वहाँ पे जो जो दिया गया है उसका हम पहले उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीज। तो पिक्चर में कितने ट्रीज दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, कितने ट्रीज हैं, 4। तो 4 नंबर पे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट टिक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में है मेन, मेन है 1, 2। बेंच पे कितने मेन दिए बैठे हैं, 1, 2, पिक्चर में देखो 1, 2, तो 2 नंबर पे हम राइट टिक करेंगे। उसके बाद में है वुमन, वुमन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी उमर है, 5, तो 5 पे राइट टिक करेंगे। उसके बाद है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस हम काउंट करेंगे, फुटबॉल खेलते हुए चिल्ड्रंस है उनको हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं, 5 चिल्ड्रंस, तो 5 पे राइट टिक करेंगे। बर्ड्स, बर्ड्स कितने हैं देखो पिक्चर में, 1, 2, 3, 4, कितने बर्ड्स है, 4, तो 4 नंबर पे हम राइट टिक करेंगे। उसके बाद है डक्स, तो डक्स देखेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, कितने हैं पिक्चर में डक्स, 4, तो 4 नंबर पे हम राइट टिक करेंगे। ओके, समझ में आया बच्चों। उसके बाद में है जीरो, उसके बाद में नीचे है जीरो, जीरो ZERO 0। सबसे पहले पिक्चर देखी है, देखिए उसमें है एक लड़का एक लड़की, गर्ल एक बॉयज है और एक गर्ल है। देयर आर 2 गुलाब जामुन इन द बाउल, बाउल में देखिए कि 2 गुलाब जामुन है, और रोहित और ईशा, जो रोहित और ईशा है उनने वो दोनों गुलाब जामुन बाउल में से खा लिए। ओके, उसके बाद में है नाउ, थर्ड पिक्चर में नाउ देयर आर 9 गुलाब जामुन इन द बाउल। इस पिक्चर में देखिए बाउल में एक भी गुलाब जामुन नहीं बचा, मतलब 9 का मतलब है 0, मतलब बाउल में कुछ बचा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब होता है 0, ZERO 0। द सिचुएशन ऑफ नथिंग नॉर नन इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 0, 0 इज रिटन एज 0। ओके, तो कुछ भी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि 0 मतलब कुछ भी नहीं, उसको क्या बोला जाएगा, 0 मतलब कुछ भी नहीं। ओके स्टूडेंट्स,